अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ हाशिम। लोग कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बहुत ही खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को कभी भी कोई भी परेशानी ना दिखाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लाई हूँ और ख़ासतौर पर ये उनके लिए है जो हर वक्त हिजाब में रहती हैं। उनके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है आज की। हर वक्त हिजाब में रहने वाले भी लड़कियाँ होती हैं और उनके लिए वेडिंग पे बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि वो अपने हिजाब के साथ वो कैसे ब्राइडल बनेंगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए इसी के हवाले से वीडियो लाई हूँ। ये हैं हिजाब ब्राइडल्स, आप इनको देख के अपना हिजाब करें, आप इन्हीं को देख के अपनी ज्वेलरी सेट करें और आप ब्राइडल बन जाएँ। इट्स ईजी। आप इसमें ज्वेलरी सेट करना भी देख सकते हैं, हिजाब सेट करना भी देख सकती हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें भी देख सकती हैं। ख़ास तौर पे ये मेरी आज की वीडियो उनके लिए है जो हर वक्त हिजाब में रहती हैं। कुछ गर्ल्स ऐसी भी होती हैं जो हर वक्त हिजाब में रहती हैं। अगर आप भी ऐसे ही गर्ल हैं तो फिर आप लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और ये मुझे तो बहुत ही वाली वीडियो अच्छी लगती है और ऐसी ब्राइडल्स ख़ास तौर पे बहुत अच्छी लगती हैं जो हिजाब करके आती हैं और हिजाब में ही वो हर वक्त रहती हैं। बहुत प्यारी लगती हैं बिकॉज़ हिजाब बहुत ही प्यारा लगता है किसी भी गर्ल पर, और हिजाब के बगैर तो अच्छी लगती हैं गर्ल्स, लेकिन मॉडल्स अच्छी लगती हैं। जो आम गर्ल्स होती हैं वो सिर्फ हिजाब में प्यारी लगती हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको फैशन के हवाले से और ऐसी ही चीज़ें चाहिए आप मेरे दोनों चैनल पर विज़िट कीजिए। नंबर वन है आसिफ फैशन वो, नंबर टू है न्यूएस्ट हाई फैशन। तो इन दोनों चैनल्स पे आप ज़रूर विज़िट कीजिए, ज़रूर ज़रूर विज़िट कीजिएगा ताकि आप लोगों को पता लग सके कि किस किस्म का फैशन है। और फिर अगर आप लोगों को मेरे चैनल पे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती जो आप लोगों को चाहिए तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करूंगी कि कौन मुझे नए नए आइडियाज़ देता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोग पसंद नहीं होगी। बहुत सारा रखिए, सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।